जैसे कि बहुत सारे बीमारियों के वैक्सीन आ चुके हैं, मलेरिया का भी शायद वैक्सीन है, लेकिन क्यों नहीं बच्चों को हम लोग दे सकते हैं, क्योंकि खासकर कि बच्चे मलेरिया का सबसे ज्यादा शिकार होते हैं. तो इज देयर एनी वैक्सीन और समथिंग विच कैन बी डेवलप्ड फॉर द चिल्ड्रेन एंड व्हाट इज द स्टेज लाइक? ना सी हम सब चाहते हैं कि वैक्सीन है हो मलेरिया के लिए और कोई भी बीमारी के लिए, जो भी ये इन्फेक्शियस बीमारी है उसके लिए हम वैक्सीन के लिए हम हमेशा हमारे एक उत्सुकता रहती है कि हमको कोई वैक्सीन मिले। बट अभी तक आपको मैं ये कहना चाहता हूँ कि मलेरिया का अभी तक वैक्सीन कोई अवेलेबल नहीं है जो हम अभी इन ऑन अ वाइड स्प्रेड बेसिस हम किसी को दे सकें। डेवलपमेंटल स्टेज पर है अभी भी, और डेवलपमेंटल स्टेज में होने के कारण हम किसी को वो वैक्सीन अभी तक फिलहाल देने के वी आर नॉट इन अ पोजिशन टू गिव दैट वैक्सीन टू एनीवन एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम। सो एट दिस पॉइंट वैक्सीन इज नॉट गोइंग टू बी अ सॉल्यूशन फॉर अस बिकॉज़ वी डोंट हैव अ वैक्सीन फॉर मलेरिया। बट व्हाट वी कैन प्रोबेबली डू इज मोर ऑफ दोस प्रिवेंटिव मेजर्स, और बच्चे भी हो, और मेनली बिकॉज मलेरिया जो है वो खास करके बच्चों को अफेक्ट करता है, खास करके वल्नरेबल पॉपुलेशन को अफेक्ट करता है, जैसे प्रेग्नेंट लेडीज हो, बच्चे हैं, या सीनियर सिटीजन्स हैं, या जिसकी किसी की इम्यूनिटी कम हो, प्रतिकार शक्ति जिनका कम है, उनको मलेरिया ज्यादा उसका ज्यादा प्रभाव ऐसे पॉपुलेशन में रहता है। तो वी हैव टू एंश्योर दैट वी प्रिवेंट द डिजीज रादर देन एंड सो दैट यू नो वी कैन कंट्रोल द डिजीज। वी एट सम पॉइंट इन टाइम वी वांट टू इरेडिकेट मलेरिया। वी होप दैट वी लैंड अप विद जीरो मलेरिया। इट्स इजियर सेड देन डन। सो एजुकेटिंग द पीपल लाइक यू आर डूइंग थ्रू दिस प्लेटफॉर्म ऑफ योर्स goes a long way in actually making them aware of the fact that they can take measures to kind of prevent this disease. I mean, avoiding stagnation of water, which is so very important. I mean, these are things which we can do. It's very simple to do actually. And or even just spray some oil on the water when it's lying down. Ensure that there are not too many breeding places. If we can avoid all those things, I mean, we can go a long way in preventing the disease.